अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से बात करनी है, और सबसे पहले तो आपके सामने ये रखना है कि जो हमारे अदालतों में जब पेश होते हैं, अदालती निज़ाम में जजेस के सामने, चाहे वो जुडिशल मजिस्ट्रेट और छोटी से छोटी अदलिया में कोई पोस्ट ना हो, उसके सामने जब कोई सैल मुलजिम या कोई सरकारी अफसर एहलकार या कोई मुलाजिम पेश होता है, तो उसके पास कितना एक मार्जन होता है कि वो अपना केस सामने रख सके, कितना अपना केस अदालत के सामने बयान सके, मेन केस से हटकर वो इधर उधर के कितनी बातें करने की उसको इजाज़त होती है, और वहाँ जो है उनका रवैया कैसा होना चाहिए, उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, उनका बात करने का तरीका कार कितना एक जो है महजब अंदाज से होना चाहिए, या किस हद तक उनको इजाज़त होती है बात करने की, वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले कि जैसे काजी फैज़ ईसा का जिस तरह केस ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, असल मामला है तो मामला तो है असासों का कि उनके असासे जो डिक्लेयर नहीं कर सके या उनकी मनी ट्रेल जो उनके पास नहीं है उससे हट के वो मुसलसल जो है इधर उधर के काम में लगे हुए हैं, और मेरे ज़राए तो अब ये बताते हैं कि उनके वकला जो है वो उनसे नाराज़ हो चुके हैं। अब वकला चूँकि मुनीर मलिक साहब इस केस की पैरवी कर रहे थे, तो अब वो उन्होंने जब मेरे ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि इस बात से जब इनकार किया कि वो पेश नहीं होंगे, कोई और जो है वकला वो भी पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि इतने अब शायद नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि वो इतने सरकशी वाले अंदाज पर मजबूर करते हैं लोगों को, जैसे काजी फैज़ ईसा, कि लोग अब उनकी तरफ से केस की पैरवी करना ही नहीं चाहते, वकला सीनियर तरीन वकला, तो इसलिए फिर उन्होंने खुद इस केस को लड़ने के लिए जो है वो दलाइल देने के लिए इजाज़त मांगी अदालत से। अब देखें जब उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो फिर इस दौरान जो हमारी ये कानूनी माहरीन से बात हुई तो वो कहते हैं कि इस दौरान फिर उनको एक सिटिंग जज की हैसियत से काम नहीं करना चाहिए था उनको इतने अरसे के लिए, जब तक वो अपने आप को क्लियर करार नहीं दिलवा देते या क्लियर नहीं करार दे देती उनको तमाम इदारे FBI या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनका केस ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक तो वो इस केस में आइनी कानूनी और इखलाकी हवाले से बिल्कुल वो उनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो सिटिंग जज के तौर पर जो है वो काम करें, मुख्तलिफ केसेस की जो है वो समाअत भी करें, हुक्मनामे भी जारी करें, उसके बाद फिर वो अपना जब केस लड़ने आए तो उसके बावजूद उसमें भी आकर जो है वो मुख्तलिफ इदारों की तजलील करें, चाहे वो जजेस की हों, हमारे जो आर्म फोर्सेस के इदारे हों, या वज़रा के साथ साथ सदर पाकिस्तान, और उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म को भी नहीं छोड़ते और बेबुनियाद इल्ज़ाम मुसलसल लगा रहे हैं। जो दलाइल वहाँ होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ जो हमारे दोस्त रिपोर्टर होते हैं वो यूट्यूब पर भी मुसलसल आपको रिपोर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर नेशनल मीडिया पे भी आप देखते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनको जो झटका लगा है जज साहब को, वो नवाज़ शरीफ के नाअहल होने के बाद बहुत ज़्यादा झटका लगा है वो, क्योंकि नहीं चाहते थे कि नवाज़ शरीफ सारे इस मामले से अलग हों या उनको वजारत के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए। जब PTI ने मुहिम शुरू की थी ये जो चार हलकों में धांधली के हवाले से, इंतखाबात में धांधली के हवाले से, उसके बाद फिर चूँकि एहतजाज मुसलसल ज़ोर पकड़ता गया, उसके बाद फिर इतफाक़ से पनामा वाला मामला सामने आया, तो उसके बाद फिर ये जज साहब जो है वो राज़ी थे नहीं कि PTI किसी तरीके से आगे आ सके, क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ जो थीं वो नज़र आ रही थीं, हमारी जिन लोगों से बात होती है ख़ासतौर पर वकला से, वो यही कहते हैं कि उनकी हमदर्दियाँ उस तरह नज़र आती थी, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो है वो हटे या उनको हटाया जाए या उनको निकाला जाए। जब ये एहतजाज चल रहे थे उस वक्त, ये आपने फैज़ाबाद धरने वाला मामला भी देखा, तो उस वक्त भी इन्होंने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए तमाम के ऊपर, और शदीद संगीन तरीन इल्ज़ाम भी आयद किए। अब जब चूंकि नवाज़ शरीफ को हटाया गया है, तो उसके बाद फिर ये तो बहुत ज़्यादा PTI की हुकूमत आ चुकी है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नाला है और इनका बस नहीं चलता कि केस इनके सामने कोई आए ही ना, उसके बावजूद इधर उधर की बातें करके वो अपना बदला चुकाने की चुकता करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए फिर वो सदर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, वज़ीर आज़म के भी ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, अटारनी जनरल है, हत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ये तो भी गुलजार अहमद साहब, इससे पहले जितने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, पहले भी हम आपको वीडियो में रिपोर्ट कर चुके हैं, तो उनके उनके खिलाफ मुसलसल ये उनके खिलाफ हो जाते थे, इनकी बनती नहीं थी, और अब जो सिटिंग जज हैं अभी भी इनके साथ कई जजेस ऐसे हैं जिनके साथ इनकी नहीं बनती, और इनके रवैये की वजह से तमाम जजेस जो हैं वो किनारा अख्तियार करते हैं। अच्छा, बेशतर खबरें ऐसी हैं जिस तरह आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया ने भी बताया कि जब वो FBI जाती हैं या किसी इदारे में जाती थी तो उनकी फ़ोटोज़, उनकी जो पर्सनल डेटा या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक किए जाते थे या लीक किए जाते रहे, और इस तरह उनकी मीडिया पर तजलील की जाती रही, तो उनके तो मखसूस सहाफ़ी जो थे ख़ासतौर पर सतूर, वो इन चीज़ों को रिपोर्ट करते थे कि
कहाँ दरख्वास्त दी, किधर दरख्वास्त दी, कहाँ पहुँची, कहाँ नहीं पहुँची, किस इदारे में वो पहुँच रही हैं, किस इदारे में आएंगी, तो सारी चीज़ें तो वो रिपोर्ट करते थे। उसके बाद फिर जैसे काजी फैजी साहब ने मुसलसल जिस तरह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुल्क को कटर और उसके बाद फिर आज जिस तरह उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हुकूमत मुल्क को कटर की तरफ ले जा रही है, तो वो कितनी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी संगीन नौइयत की जो है वो बात कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह के संगीन नौइयत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि जजेस जो है इधर उधर की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, अगर कभी कोई ऊंची आवाज़ में ही बात करता है तो उसको खामोश करा दिया जाता है कानून से हटकर। किसी को भी बड़े से बड़े हमने केसेस यहाँ कवर किए, अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में कवर किए, तो उनको इजाज़त नहीं होती बात करने की, लेकिन जैसे काजी फैजी साहब समझते हैं कि उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में, उनकी मनी ट्रेल के बारे में, उनके जो रवैया है उसके बारे में कोई बात ना करे, लेकिन वो जिसको चाहें उसकी पगड़ी उछालें, जिसको चाहें उसको छित्रोल कर दें, जिसको चाहें वो चौराहे पर जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि नंगा कर दें, लेकिन वो उनको सारी और उनकी फैमिली को, उनकी अहलिया को इजाज़त हो वो सब कुछ कर सकें, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात ना करें। लेकिन पूरी कौम सोशल मीडिया पर, चूंकि मैंने पहले भी कई हवाले से आपको रिपोर्ट किया कि सोशल मीडिया चूंकि इतना एक्टिव है कि दो मिनट में अगर कोई बात करता है तो वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। टीवी चैनल्स में क्योंकि इतना मार्जिन नहीं होता, इतना एक्सेस नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है वो कोई भी इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर तो वीडियोस और सबूत के साथ चीज़ें सामने आ जाती हैं। जिस तरह एन बूथम के हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम के ऊपर उन्होंने जो बात की इमरान खान के हवाले से, तो वो सबूत और सारी चीज़ें लोगों ने फ़ौरन सामने रख दी कि बुनियादी तौर पर वो भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ केस हारा था, लेकिन जज साहब उसका भी हवाला दे रहे हैं। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में बात ना करें। और ख़ास तौर पर देखें, मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ रिपोर्ट की कि हम इंतहाई नेगेटिव तरीन, इंतहाई नामुनासिब तरीन जो रिमार्क्स होते हैं हमने वो भी रिपोर्ट किए, यानी कि गालमगलोई तो ज़ाहिर नहीं होती लेकिन इंतहाई नामुनासिब रिमार्क्स होते हैं जजेस के, वो हमने रिपोर्ट किए। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सेंसर भी करनी पड़ती हैं मजबूरन कि माशे पे जिसमें जिसका असर जो है बुरा पड़ सकता है, या हमारे इदारों पर बुरा असर पड़ सकता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी पर असर बुरा पड़ सकता है, या हमारी हुकूमतों पर या मुख्तलिफ इदारों पर, तो उस वक्त हम कोर्ट रिपोर्ट की हैसियत से हम उन चीज़ों को खुद भी सेंसर करते हैं ताकि माशे पर बुरा असर पड़े। अब उनकी डिमांड यह है कि वो जिस तरह पगड़ी उछाल रहे हैं तमाम इदारों की, वो पगड़ी वो कहते हैं कि बीच बाजार के पूरी कौम और पूरी दुनिया के सामने उछालें, लेकिन उनको ये सारी इजाज़त हो, लेकिन उनकी ज़ात के बारे में अगर कोई बात करना चाहता है काजी फैजी साहब के बारे में तो उसके खिलाफ कोई बात ना करे, उसके खिलाफ किसी को इजाज़त ना हो। जिस तरह जो साइलिन होता है, मुलजिम होते हैं, उसके बाद फिर जितने भी इदारों के लोग आते हैं उनको नहीं परमिशन होती, हद तक कि उनका ड्रेस कोड जो है उस चीज़ का भी मुकम्मल तौर पर अदालतें जो ख्याल करती हैं कि अगर कोई वकील टाई लगा के नहीं आता तो उनसे उनका केस नहीं सुना जाता, कोट पहन के नहीं आता तो उनका केस नहीं सुना जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें अब वो जस्टिस काजी फैजी साहब कर रहे हैं, अब वो यूट्यूबर्स के भी ख़िलाफ़ हैं, वो नेशनल मीडिया पर भी जो चीज़ें नशर होती हैं उसके भी ख़िलाफ़ हैं, हाँ वो जो उनकी सोच के अकास हैं या जिनसे वो रबते में हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह से वो खबरें लीक करवाते हैं जिनके ज़रिए, वो समझते हैं कि वो ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, वो उनके लिए ठीक काम नहीं कर रहे, उनकी ज़ात पर गुरु की बात होती है तो वो कीचड़ उछालने के मुतरादिफ समझते हैं, अगर किसी और की ज़ात पर जो है वो कीचड़ उछालते रहते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, कई दोस्तों से मैंने रबता किया वकला से ताकि मैं उनकी राय लेकर आपके सामने रखूँ, उनका इंटरव्यू करूँ, तो काफ़ी सारे जो वकला है हमारे दोस्त सीनियर वकला वो खुद इस बात पर बात भी नहीं करना चाहते, वो क्योंकि खुद बहुत सारे लोग समझते हैं कि जस्टिस काजी फैजी साहब सदमे में हैं और चूंकि इनको आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है तो लिहाजा उनको एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन वो इन चीज़ों से दरकनार, वो इन चीज़ों को पुष्पर्दा डालते हुए जो है वो इस तरह पसपर्दा डालते हुए वो मुसलसल नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं जिसमें बुनियादी तौर पर हमारी रियासत, हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क का नाम खराब हो रहा है, और ख़ास तौर पर जुडिशरी के ऊपर कोई बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, अब जुडिशरी को खुद बदनाम करने में तुले, हालांकि वो खुद उनका मानना है कि वो जुडिशरी के तकद्दस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जहां तक वो फाइलों के तैयार करने की बात है तो कोई जज फाइलों जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारे होते हैं उनकी परमिशन के बगैर या उनकी क्लियरेंस के बगैर तो कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोई किसी मामूली से अहदे पर नहीं लग सकता, तो फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जज हों या कोई और हों तो वो तो एक अमूमी सी बात है कि सिक्योरिटी वजूहत के ऊपर सबकी तस्दीक के बाद ही उनको जो है ऊपर आने की इजाज़त होती है।
अदरवाइज किसी को भी नहीं है। ये मुल्क के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, मुल्क के सिक्योरिटी इदारों का ये काम होता है और वो हर मुल्क में होता है। ऐसा नहीं है कि आज जैसे काजी फैज़ ईसा साहब की फाइल जो है वो तैयार हो गई, उसके बाद फिर आगे दीगर जजेस की फाइलें भी तैयार हो रही हैं और उसके बाद जिस तरह मिसालें देते हैं दूसरे लोगों की, तो वो भी इंतहाई नामुनासिब है। क्योंकि उनको अब लोगों का कहना यही है कि सदमा नवाज शरीफ के निकाले जाने का है और उसके बाद फिर खुद फिर जब इस तरह के वो फुटवर्क उन्होंने किया और इस तरह वो सामने आए तो मज़ीद उन्होंने अपनी साख को ख़राब किया और मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख को ख़राब किया, मज़ीद हुकूमत पाकिस्तान की साख को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये अदालत ने अगर अभी उनके जो बरह रास्त इनका केस नशर करने की इजाज़त दी, लगता नहीं है कि ये उनकी दरख्वास्त मंजूर हो। अगर इजाज़त दी तो फिर उसके बाद संगीन नतायज हो सकते हैं, क्योंकि एक अगर पॉइंट पर एक कानूनी नुकते के ऊपर अगर किसी मुलजिम को रिलीफ मिलता है किसी भी जगह के ऊपर आके, तो उसके बाद फिर सैकड़ों चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं और सैकड़ों लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए वही केसेस मिसाल के तौर पर जो है वो पेश करते हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका केस लाइव नशर करने की इजाज़त दी तो फिर यही कीचड़ उछालेंगे जिस तरह वो ओपन कोर्ट में यानी कि बरह रास्त नशर हुए किए बगैर ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो फैसला यही होगा, मेरी जो कानूनी माहरीन से बात हुई है कि इनकी जो बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त है वो तो मुस्तरद होगी, लेकिन जो कर रहे हैं वो उनके लिए और तमाम इदारों के लिए नुकसानदेह आगे जाकर मुस्तकबिल में साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मामलात बेहतर हों। पाकिस्तान का, इस मुल्क का, कौम का अल्लाह हमें नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।